हमारे बीच थोड़ी सी तू मैं हो गई आज। कभी कभी झगड़ा भी होना चाहिए ना, इट्स ऑल अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग टुगेदर एज अ कपल, है ना। कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर के पास। हाँ Good morning, everyone. Welcome back to our channel, Life with Bias. Good morning, everyone. And very happy Eid. Yes. To everyone, Eid Mubarak. Eid Mubarak, sabko. Jee. And on this occasion, of course, hamara holiday aaj. तो देखते हैं आज के दिन को कैसे प्रोडक्टिवली यूज करते हैं और कैसे मस्ती करते हैं घर में। फिलहाल तो राजेश और आखिर जा रहे हैं शॉपिंग करने, सब्जी बाजार करने। सब्जी बाजार जा रहे हैं ये लोग, हमारे नीचे कॉलोनी के नीचे या में जो सब्जी मिलते हैं वो सब लाने जा रहे हैं। जब अरे तुम हमारा पड़े गुड मॉर्निंग बोलो नहीं तो हाथ था सुनना पड़े एम पड़े। बाय, love you, take care, see you। ये लोग वापस आ गए और अभी अभी ना ऑनलाइन डिलीवरी आई है अमेज़न से। क्या लाए? गोभी, सब्जी। ये सब क्या है बाबा? ये देखो अभी डिलीवरी आई है। ये देखो आखिर से इंसिस्टिंग कि मैं ये भी दिखाऊं आपको। हाँ, ये थर्ड वाला बॉक्स, थर्ड वाला बॉक्स है, लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है कि आके के साथ बैठ के ये सब लेके हम लोग खेले, इसके साथ टाइम स्पेंड करें। ये क्या है, यू टेल अबाउट दिस। ये एक्चुअली फर्स्ट क्राई जो है, हाँ, मुझे पता नहीं था ये फर्स्ट क्राई का एक इंटेली किट है जो स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक 6 मंथ्स एंड अबव से शुरू हो जाता है ना। अच्छा, तो एज पर आपका एज जैसे बच्चे का होता है ना, तो हम लोग उसके हिसाब से ऑर्डर करते हैं, तो 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन होता है। ओपो दारा मिट्टू बोले दी खुलबू तो दारो दारा, तो इसमें मतलब हर मंथ वो डिलीवरी आता है सब्सक्रिप्शन के हिसाब से, जिस दिन हम लोग सेट करते हैं उसके हिसाब से वो डिलीवरी आता रहता है। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? For 6 months. Oh, अच्छा। So first month जैसे oh, it's for age from 2 to 3 years. अभी तो आखिर का age के हिसाब से 2 to 3 है, 3 to 4, 4 to 5 ऐसे करके चलते रहता है वो ना। I don't know the maximum age, लेकिन ऐसा ही है। आपको दारा ना होगा? काफी interesting है ना, इसमें काफी story books और games। ये मतलब क्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि fix ऐसा है कि fix ये वाला ही आएगा। वो हर मंथ वो कंपनी खुद से डिजाइन करती है अपना प्रोडक्ट, मतलब पैक करके फिर भेजते है ना। तो जैसे ये और थर्ड बॉक्स है, और इसमें फायदा क्या है, अगर हम सिंगल खरीदने जाएंगे ना तो इसका प्राइस है ऑलमोस्ट 1599। और सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होता है, ये 1499 लिखा हुआ है ना, तो सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होता है, फर्स्ट मंथ मुझे जैसे इसमें डिस्काउंट होके 900 पड़ा था, फिर सेकेंड मंथ में 800, अभी ये थर्ड वाला में 700, और जो लास्ट 3 मंथ्स का आएगा वो 600 ईच होगा। अच्छा अच्छा, वो आखिर ने देखो खुद ही खोल लिया। दिखाओ दिखाओ, सबको दिखाओ क्या है इसमें। तो इसमें एक्चुअली पर डे के हिसाब से सब कुछ आता है, पर डे के हिसाब से। अच्छा, डे वन, डे वन नहीं एक्चुअली एक्टिविटी के। अच्छा, एक्टिविटी वन ये जितना दिन लगे, फिर एक्टिविटी टू, थ्री, एक्टिविटी थ्री, एक्टिविटी फोर एंड फाइव। अच्छा, और ये क्या है, स्टोरी बुक है? स्टोरी बुक है। तो क्या इस बुक के हिसाब से हम एक्टिविटी होता है? इसके अंदर में एक चार्ट रहता है, तो चार्ट में लिखा रहता है ना डे वन में क्या करना है, डे टू में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, सो वी विल डू दिस आखी, ओके, आज करेंगे हम लोग बैठ के। ओके, कोई भी आप टॉयज खरीदने जाएंगे तो 5-6 में तो लग ही जाता है ना, तो उससे अच्छा है कि ये वाला खरीद लीजिए। चलो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, इट्स वेरी लेट ऑलरेडी। Will you please come and give me a helping hand so that we can make it fast? क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। ब्रेकफास्ट है रेडी, आज ब्रेकफास्ट के लिए चाउमिन बना है, एग चाउमिन, और राजेश के लिए बना के रख दिया, लेकिन आई डिड नॉट नो दैट ही इज नॉट एट होम।
कॉल कर रही हूँ, कहाँ पे है कहाँ पे है, नीचे किसी काम से गया हुआ है और हमारे बीच थोड़ी सी तुतुमे हो गई आज बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो अभी थोड़ा मूड ऑफ है, आई एम श्योर उसका भी मूड ऑफ होगा. वी जनरली डोंट गेट इन टू आर्ग्यूमेंट्स, पता नहीं शादी से पहले बहुत होता था बट शादी के बाद जनरली डोंट गेट इन टू आर्ग्यूमेंट्स, होता नहीं है ऐसा. बट इन वन मैटर आई गेट वेरी अपसेट विथ हिम कि वो उसकी ऑनलाइन डिलीवरी की जो आदत है, कभी भी कुछ भी ऑनलाइन डिलीवरी कर दे मतलब ऑर्डर कर देगा, ऑनलाइन ऑर्डर कर देगा, बट ही विल नेवर कंसल्ट विद मी वंस, ही विल नेवर इवन लेट मी नो वंस कि उसने क्या ऑर्डर किया है. सडनली आई विल से कि घर में ये आ गया वो आ गया विदाउट माई कंसेंट विदाउट माई नॉलेज. ठीक है लाना है लाओ, एक बार बोल तो सकते हो. इफ आई क्वेश्चन हिम अबाउट दिस ही विल से क्योंकि तुम मना कर दोगे इससे मैं तुम्हें नहीं बताता. तो उसी इशू में अभी थोड़ा आई एम टॉकिंग ना. आखी ने अपना खाना खा लिया, आखी का ब्रेकफास्ट हो गया है ना. ये देखो आखी को, अरे इधर आती इधर आओ. आज हम लोग कहाँ जाने वाले बोल दो तो सबको, इवनिंग को कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर के पास जा रहे हैं. डॉक्टर का तो जाबे है ठूश, डॉक्टर ठूश देती है उसको, ठूश मतलब इंजेक्शन. आखी जाएगी डॉक्टर के पास? हाँ. तुम्हें डर नहीं लगता है? हाँ. आखी को बिल्कुल डर नहीं लगता है. मैंने उसको पूछा इतने डॉक्टर के पास जाएगी ये सुन के भी इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ, तो मैंने पूछा डॉक्टर तुमको ठूश देंगे तो तुमको डर नहीं लगता है? तो नहीं, और इसको वाकई में डर नहीं लगता, वाकई में डर नहीं लगता है ना. कानू को भो, कानू को भो, तभी तो कानू को रोना मतलब रोऊंगी मैं बोल रही है. गुड इवनिंग एवरीवन, हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं, है ना. कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर के पास. हाँ देखो आखिर ने आज टोपी लगाया. आखिर तुम्हें आधा करो दो. ओ बा देखे चो तुम्हें आधा करो. आखिर का वैक्सीनेशन हो गया है और आखिर ने आज वहां में बहुत अच्छे फ्रेंड्स बना लिए, काफी मस्ती की उसने. घर में तो अकेली रहती है और यहाँ में आने से आखिर को बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं, फ्रेंड्स इन द सेंस बाकी बच्चे. सो शी इज ऑलवेज हैप्पी अबाउट विजिटिंग द डॉक्टर ना बाबा. आखिर का चॉकलेट गिर गया है फिलहाल, तो अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, कुछ आई मीन बाहर जा रहे हैं सेंस कुछ थोड़ा घूम के आते हैं, उसके बाद विल हेड बैक होम. তুমি এটা দিয়ে ঘরে গিয়ে দদ খাবে. হ্যাঁ কি খাচ্ছ এটা? হাই করে দো.
We are back. आंखें के लिए डॉक्टर ने बोला है उसको खिलाने के लिए विटामिन ए. आ जाओ. हाय हाय. आंखी को इतनी भूख लगी एकदम रोना शुरू हो गया आंखी का. इतने सारे चिप्स और सॉस खा के भी आंखी का पेटू नहीं भरा आज, क्योंकि दूध तो चाहिए ना. दूध ना खेले तो होबे ना ना. बाकी होल डे उसको नहीं चाहिए, बट ये टाइमिंग्स में उसको चाहिए ही चाहिए. बाप बेटी यहाँ पे आराम से मोबाइल देख रहे हैं. अभी गुड मॉर्निंग है पागल. आज का दिन ऑलमोस्ट खत्म होने को है, तो अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि कल कॉलेज में हमारा कॉलेज में आज हम हाँ सामी हम दिखाएंगे, रुको उसे ही देख लो. तो कल कॉलेज में हमारा पार्टिंग सोशल है, यानी कि फेयरवेल है. सो 11:30 से है. तो यू नो आज एक बहुत ही घमासान दिन के बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम राजेश और मेरे बीच जो घमासान हुआ आज, आफ्टर दैट हमने पीस तो बना लिया. We ended up in peace. But कभी कभी झगड़ा भी होना चाहिए ना. It's all a part and parcel of being together as a couple. बाद में सब कुछ ठीक हो गया. And that is how it has always been. बहुत जल्दी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे. Actually आज प्लान भी था एक कपल वीडियो बनाने का, because many of you wanted to know about our relationship, how we met and all that. तो actually plan था कि आज वो वीडियो बनाए, but इन सब के लिए वो हो नहीं पाया. I don't know, maybe कल हो जाए. I'll try, कल हो जाए तो अच्छा है. तो वो वीडियो में बताना था, तो तब बताएंगे आपको. बट इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस. हम लोग कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत लंबे समय तक यू नो बात नहीं करके हमने रहा झगड़ा की वजह से. नॉट इवन अ नाइट, बिकॉज हम दोनों का ऐसा है, स्पेशली मी, मुझे बहुत ज़्यादा ये प्रेशर टेंशन हो जाता है. कुछ हुआ है देन आई नीड टू सॉर्ट इट आउट बिफोर आई गो टू बेड. ओके, यही है. कल फिर से आपसे मुलाकात होगी. आज के लिए बस इतना ही. और जी हाँ, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ ग्रेट नाइट अहेड. एंड आखी ये देख रही है एंड शी आस्क्स मी टू शो यू ऑल. शी सी वॉचिंग. ये क्या है बाबा? वाओ हाउ क्यूट बर्ड. अच्छा ठीक है, फिर आखी गुड नाइट कह दो सबको. Good night, Tata. Love you. See you all tomorrow and bye-bye.